అర్ధరాత్రి గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఓ ఇంట్లోకి ప్రవేశించి 3.5 తులాల బంగారం 37,000 రూపాయల నగదు దొంగతనం చేసిన ఘటన పహడి షరీఫ్ పిఎస్ పరిధిలో జరిగింది. బాధిత కుటుంబీకులు పహడి షరీఫ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है, मैं वादी मुस्तफ़ा में रहता हूँ, जलपली लगना अपने को, और पुलिस स्टेशन जो है ना वादी जलपली का लगना है, जलपली है अपना, और मेरे पहाड़ी शरीफ पीएस लगता अपने को वादी मुस्तफ़ा को. और कल रात में मेरे घर पे चोरी हो गया था, पानी पड़ रहा था, बोल के मैं घर शिफ्टिंग कर रहा था, 3.5 तोले सोना और 37 कैश और 16 तोले चांदी था. कल शाम में घर पे कौन है कि अल्लाह के बंदे नहीं मालूम, मगर ये है कि मेरे को पुलिस स्टेशन साहब पीएस साहब से यही है कि कमिश्नर साहब से उन पे एक्शन लेना. वो जो भी आप घर पे सुबह में आके इंक्वायरी लेके गए और वीडियो वगैरह भी लेके गए घर से कैसा आए, ना ऊपर टीना तोड़ के आए सोए साहब, आखिर वादी मुस्तफ़ा में रहना है नहीं रहना है वो बोलिए. और रात में क्राइम बहुत हो रहा साहब वहाँ पे, और सीसीटीवी लगाना उधर वहाँ पे घर के पास, और क्राइम बहुत हो रहा, और शाम में राउंड शाम में रात में राउंडिंग होना, 2-3 बार तो भी राउंडिंग होना, कैमरा अगर है ना ये सब कौन सा भी काम नहीं होता साहब. या सुबह में 8 बजे देखा मैं घर पे लॉक, ऊपर टीना चढ़ के टीना तोड़ देके घर में अंदर अलमारी में का लॉक वगैरह तोड़ देके और खाने के चीज तक भी नीचे गिरा के चले गए साहब. अब हम कर्नाटक से आए सोए, खाना बोले तो आज घर पे मेरे सही में ईमानदारी 1 रुपया नहीं है मेरे जेब में, 1 रुपया नहीं, अब कहाँ से मांग के खाना, बच्चे है मेरे, मेरे साथ में रह सो मेरे हमारे घर वाले है, क्या करना आप बोलिए. घर 1 रुपया नहीं रखे, खाने की चीज भी ऐसा फेंके गए घर में, आप देख सकते हो ना रहे, तो बहुत भयानक हुआ सब मेरे साथ. ये कह साहब से मेरे को जल्दी उन लोगों को पकड़ लेके मेरे जो चीज़ आते दिलाए तो बहुत बड़ा मेहरबानी होता, और शाम में आप राउंडिंग बढ़ाओ साहब.